क्या कंगना रनौत नहीं थी तनु वेड्स मनु फिल्म की पहली पसंद? क्या आर माधवन के कहने पर कंगना को लिया गया था इस फिल्म में? आखिर किस एक्ट्रेस को किया कंगना ने रिप्लेस? और किसने लगाया आर माधवन पर उन्हें रिप्लेस करवाने का इल्जाम? आइए जानते हैं डिटेल्स। कंगना रनौत को फिल्म तन्नू वेड्स मनु के लिए काफी तारीफें मिली थी, उन्हें इस किरदार में बहुत पसंद भी किया गया था। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कंगना नहीं थी इस फिल्म की पहली पसंद। जी हाँ, उन्होंने एक दूसरी एक्ट्रेस को किया था रिप्लेस। हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो है नीतू चंद्रा। अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने कहा है कि उन्होंने फिल्म तनु वेड्स मनु कंगना रनौत से पहले साइन की थी। इसके बाद फिल्म अभिनेता आर माधवन के कहने पर कंगना रनौत को इस फिल्म में लिया गया। अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने कहा है कि उन्हें फिल्म तनु वेड्स मनु से निकाला गया और उनकी जगह कंगना रनौत को लिया गया। नीतू चंद्रा इसके पहले ट्रैफिक सिग्नल और ओए लकी लकी ओए जैसी फिल्मों में काम कर चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कुल 6 फिल्मों से निकाला गया है। एक इंटरव्यू में नीतू चंद्रा ने कहा, इस प्रकार की चीजें सभी के साथ होती है, लेकिन ये संघर्ष का हिस्सा होता है। नीतू ने आर माधवन का एक कमेंट के बारे में भी बताया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि तनु वेड्स मनु की भूमिका के लिए उन्होंने कंगना का नाम सुझाया था। आर माधवन ने कहा था, तनु वेड्स मनु के लिए किसी और एक्ट्रेस का चयन हुआ था, लेकिन मैंने कंगना का नाम सुझाया। इस पर नीतू ने कहा, वो अभिनेत्री मैं ही थी, मैंने तनु वेड्स मनु साइन की थी। उन्होंने ये भी कहा, इस प्रकार की चीजें होती रहती है, मुझे 6 फिल्मों से निकाला गया है। मेरे लिए कोई किसी को फोन नहीं करता था, मुझे ही अपने लिए फोन करना पड़ता था। यही यात्रा है और यही से मैंने चीजें सीखी है। नीतू से पूछा गया कि उन्होंने ये फिल्म आगे क्यों नहीं की। इस पर उन्होंने कहा, आप कैसे करेंगे, ये मुझ पर निर्भर नहीं होता, मैं प्रोजेक्ट कैसे चलाती। किसी भी कारण से अगर निर्देशक को लगता है कि अभिनेता किसी और का रिकमेंडेशन कर रहा है, तो मैं ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आती जहां मेरी बात सुनी जाए। नीतू चंद्रा ने ये भी कहा कि ये उनके भाग्य का हिस्सा है और उन्हें किसी के प्रति कोई बैर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो आनंद एल राय से किसी और प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रही है। अब देखना ये होगा कि कंगना इनके बातों पर रिएक्ट करती है या नहीं। फिलहाल आप हमें बताएं कि ये बात जानकर क्या आपको भी लगा झटका, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऑल्सो डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।